आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शिवसेना हिंदुस्तान के प्रमुख पवन गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। 15 अगस्त के मद्देनजर शिवसेना हिंदुस्तान के प्रमुख पवन गुप्ता ने कहा कि इस बार 15 अगस्त के दिन हम 15 अगस्त शिवसेना हिंदुस्तान के दफ्तर पुराना बस स्टैंड पटियाला के नजदीक सुबह 10 बजे तिरंगा झंडा लहराकर मनाएंगे। बहुत सत्कार और मान के साथ हर बरस ही खालिस्तानी धमकियां देते हैं कि तिरंगा झंडा लहराने वालों पर हम ये करेंगे या ये एक्शन लेंगे। उनकी धमकियां हमें कबूल है। हम इस बार 15 अगस्त को अपने भारत की शान आन मान के साथ मनाएंगे। 15 अगस्त पटियाला में शिवसेना हिंदुस्तान के दफ्तर पर तिरंगा झंडा लहराकर मनाई जाएगी। पटियाला से हमारे संवाददाता केशव कुमार की रिपोर्ट। कब्जे च आ गया काम। अज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका विषय है कि देश के दे जोड़ा 15 अगस्त आ रहा है उन्होंने शिवसेना हिंदुस्तान बड़े ही बड़े पद्धर के उत्ते असी देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराने जा रहे हैं क्योंकि पिछले समय से यह देखने से आया कि जोड़े खालिस्तानी अतवादी संगठन है विशेष करके सिख फॉर जस्टिस के गुरबंस सिंह पन्नू ये हमेशा ही तिरंगे के खिलाफ जहर उगलते हैं और आम तौर पर यदियाँ धमकियां चुनौतियां आदि हैं कि जेड़ा भी तिरंगा लहराएगा असी उदे खिलाफ कार्रवाई करांगे और विदेशों की धरती से तिरंगे का लगातार अपमान करते हैं उन्होंने सारिया चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और देश दुश्मन जोड़े संगठन है उन्होंने चुनौती को कबूल करते हुए शिवसेना हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि असी देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा इस बार पूरी शान के नाल अपने पार्टी के जोड़ा मुख दफ्तर है बस स्टैंड के नज़दीक उत्थे असी इस सवेरे 10 बजे 15 अगस्त में बड़े शान के नाल बड़े मान के नाल बड़े अदब के नाल लहरावांगे। असी एक बार पहला भी जो 26 जनवरी में गुरबंस सिंह पन्नू ने बड़ी धमकी दी सी तो असी शहीद भगत सिंह जी का जोड़ा बुत है उत्थे असी जाके उत्थे समारोह मनाया क्योंकि असी मनते हैं कि देश की आज़ादी जी है बड़ी मुश्किल नाल बड़ी ही तपस्या के नाल और बड़ी कुर्बानिया नाल मिली। देश के बड़े बड़े योद्धा ने फांसी के रस्से नूं चुम्या अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी और उस तो बाद ये सानू जिहड़ी सौगात है आज़ादी की वो सानू प्राप्त हुई है। किसी भी देश के दुश्मन संगठन नूं असी ये मौका नहीं देना चाहते कि वह जिहड़ा कह रहे हैं कि हालांकि वह डरपोक ने कायर हैं बुजदिल हैं विदेश की धरती के उत्ते शरण लेके बैठे है और उत्थों जाके गिदड़ भपकिया देंदे है। हालांकि उन्होंने गिदड़ भपकिया का हिंदुस्तान के लोगों पर कोई असर नहीं पर फिर भी असी कदम इस करके अगे आए हैं कि यह देश की आज़ादी का दिवस है। साड़ी जिहड़ी युवा पीढ़ी है उन्होंने पता लगनी चाहिए है कि देश के गद्दारां की कोई औकात नहीं है। इस करके शिवसेना हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि 15 अगस्त 2023 में सवेरे 10 बजे जिहड़ा साडा दफ्तर है उहदे अहाते दे विच शिव सैनिक इकट्ठे होणगे और उत्थे पूरे मान जोश और अदब नाल देश दा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया जाए। बहुत सारी परमिशनां लेणियां पैंदियां जी इस तरह दे कोई झंडे दा आपां ने मान करना हुंदा ते ओह परमिशनां जरूरी हुंदियां। वैसे भी 140 लगी मैनूं लगदा तुहाडी कॉन्फ्रेंस तां ही कैंसल हो गई उत्थे कोई पासो छुट्टी नहीं सानूं जिहड़ा कारण दस्सिया भी उह जिहड़ा हाल है या रेस्ट हाउस है वह CM साहब की क्योंकि 15 अगस्त में इतने राष्ट्रीय झंडा हिला रहे हैं तो उन्होंने CM सिक्योरिटी को दिता गया उस करके सुरक्षा कारण करके सानू नहीं दिता गया। और जिते तक देश के दे आज़ादी दिवस मनाने की गल है तो ये उत्ते सरकार की कोई पाबंदी नहीं है। जेडे भी लोग हैं वो देश की आज़ादी का जश्न मना सकते हैं कानून के अंदर रह के जाबते के अंदर रह के और इसी संबंध के प्रशासन को लिखित सूचना पहले ही ऑलरेडी दे चुके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।